इतना तो समझ ही गए होंगे आप। कहते हैं यहाँ की दिवाली बहुत खूबसूरत होती है, और होगी क्यों नहीं, इतने सारे लोग, दुकानों में जलते हुए दिए, पटाखे, मिठाइयाँ, रंगोलियाँ और चारों तरफ रोशनी रोशनी। लेकिन मैं शहर में सिर्फ नौकरी करती हूँ, अपने दोस्त के साथ रहती हूँ हमारे छोटे से फ्लैट में। इस वक्त वो घर पे ही है, उसी के खातिर मैं शाम की ठंड में बाहर निकली हूँ। सोचा दिवाली की कुछ चीजें खरीद कर उसे सरप्राइज किया जाए, बहुत खुश होगा वो। हालांकि बोलता बहुत कम है, लेकिन जानते हैं अगर वो साथ नहीं होता तो ये दिवाली भी मुझे अकेले ही मनानी पड़ती। हाय जोनाथन, हैप्पी दिवाली, चलो चलो दिए जलाते। जी क्या कहते हैं? कहते हैं तारों को देखकर नींद आ जाए तो सारे सपने सच हो जाते हैं। हे, कॉफी टाइम जोनाथन। हेलो खुशी। छोटी माँ कहाँ थे आप लोग, मुझे आप लोग की इतनी याद आती है। और आप लोग? बेटा शादी का सीजन जोरों से चल रहा है, तू तो जानती है ना, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हो और मुझे मिलोगे कब? इसीलिए तो फोन किया, आज रात बंसल जी के यहाँ पे सगाई की रस्म है। मेघना की शादी होने वाली है, देखना उसके जन्म पे भी हमने ही गाया था और आज भी, तुझे देखकर उसे बहुत खुशी होगी। देख लेना छोटी माँ, मेघना की शादी है, आप लोगों का पत्ता नहीं काट दिया तो मेरा नाम भी खुशी नहीं। वही गाना गाऊंगी उसका और मेरा, छुट्टी कर दूंगी सबकी। लेकिन लेकिन छुट्टी मिलेगी कैसे, सारे बहाने भी तो खत्म हो गए हैं। खुशी और आने का बहाना ढूंढ रही है। गॉट इट। ए ए सामान के जल्दी कर, ठीक से पकड़, जल्दी रख, जल्दी रख। हेलो हेलो, कौन? खुशी? हाँ सर। अरे क्या हुआ, जुकाम हो गया है क्या? नहीं सर, मैं रो रही हूँ। रो रही हो क्यों? सर मेरी मासी के कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया सर, टॉमी का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो, फिर ये मासी और उसका टॉमी कुत्ता कहाँ से आ गया भाई? सर आज जब टॉमी को मेरी इतनी जरूरत है तो आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? एक और गुटली, यानी कि आज फिर तुम काम पे नहीं आओगी। समझने की कोशिश कीजिए सर। सब समझता हूँ, सब समझता हूँ, बस तुम्हें समझाने की जरूरत है। बंद करो यारी सब। चोरी चुप कैसे आएगा वो आके तुझे।
बात छोड़, तू पहले ये बता कि तू कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या हाल? ओफो ताऊ जी, मैं बिल्कुल फिट हूँ। एक अच्छी सी नौकरी है और रहने को छोटा सा कमरा भी। लेकिन बेटी, इतने बड़े शहर में तू अकेली रह रही है? छोटी माँ, ठीक है, चिलपिल। मैं आप लोगों के साथ 15 साल रही हूँ ना, राइट और रॉन्ग? राइट। तो मम्मी डैडी अंकल आंटी ब्रदर सिस्टर, इनके बदले में मुझे मिले ताऊ जी, छोटी माँ, बिंदिया, पोल्टू, मामू, ढोलकू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब मैं अकेला रहना चाहती हूँ, जिंदगी को आजमाना चाहती हूँ, और यकीन मानिए बड़ा मजा आ रहा है। अकेले? बिल्कुल। लेकिन बेटा, कुछ देर पहले तेरी आंखें तो कुछ और कह रही थी। ओ ताऊ जी, नो साइकोलॉजी प्लीज। देख लेना, बहुत जल्दी एक शहजादा आएगा और तुझे सफेद घोड़े पे बिठा करके ले जाएगा। ताऊ जी, बेटा जो प्यार तू दोनों हाथों से लुटा रही है ना, उसे एक दिन सावन की तरह लौटना ही होगा, तुझ पर बरस नहीं होगा। ये कहाँ ले जा रहे हो रणबीर? सरप्राइज का मतलब सरप्राइज होता है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? इससे पहले तो तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। बचपन से लेकर आज तक तुमसे कुछ बुलवाने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता था, और आज कुछ? आज सोचा एक जुआ खेलूं, जिंदगी का फैसला जिंदगी के हाथों में रख दूं। तुम्हें तो वाकई शायर होना चाहिए था, आर्किटेक्ट कैसे बन गए? जमीन पे तो तुम्हारे पैर टिकते हैं नहीं, बिल्डिंग्स कैसे बनाओगे? बस सच की बुनियाद रख दूंगा, घर अपने आप बसते जाएंगे। ये क्या है? सगाई का तोहफा। What? तारीख बता दो, वादा करता हूँ शादी से पहले पूरा कर दूंगा। ये तुम्हें आज क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गए? हम दोनों को जो होना था वो तो बहुत पहले ही हो चुका है, ये तो सिर्फ अंजाम है। तुम और मैं मजाक कर रहे हो ना? अगर ये मजाक है तो 15 साल से हमारी जिंदगी एक मजाक है। मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछना क्या था? मैंने समझा क्या समझे तुम? मुझे तो छोड़ो, आज तक तुम अपने आप को नहीं समझ पाए हो। कहां से आई है जमीन के पैसे, कहां से आएंगे यहां पर घर बनाने के पैसे? देखो रणबीर, तुम्हारे सपनों में और मेरी मंजिल में बहुत फर्क है, और बचपन से जानती हो तुमको, तुम्हारे पैर जमीन पर तो कभी टिके नहीं। सपनों की दुनिया में रहने वाले के हाथ में मैं अपना सब कुछ कैसे रख सकती हूँ? I'm sorry. चले। वाह, बहुत खूब। ओए, उस कुड़ी ने इनकार कर देता तो देवदास बना बैठा है। हर जगह जल्दबाजी जल्दबाजी, काम शुरू किया नहीं, जमीन खरीद ली, मकान बनाना शुरू कर दिया। अरे 22 साल काम किया था मैंने, तब जाकर ये घर बनाया था। यहाँ गिनती सीखी नहीं और हिसाबों का? अरे क्या, चलिए ना, मैं समझा दूंगी उसे। अरे समझा जरा इसको। हाँ, समझा दूंगी। ओए कुछ काम कर जाके, और जा नहीं चला जा। कम न था काज दा तो मन नाज दा।
ना बेटा ना, निराश नहीं होते। मुझे पता है अपने दिल की बात कहना तेरे लिए कितना मुश्किल है, पर तू फिक्र ना कर, तेरी जिंदगी में कोई और सच आ जाएगा और हम सब की खुशियां बच जाएगा। हा ना बेटा। रणबीर, हफ्ता भर हो गया तुझे शिमला से आए हुए, मूड खराब मत किया कर यार। कम ऑन, इतनी बड़ी पार्टी है, बॉस खिले हुए चेहरे देखना पसंद करेंगे। गौरव कपूर, रणबीर मल्होत्रा। थैंक यू। थैंक यू। कहना चाहूंगा, फौज में रह चुका हूं, बहुत सारे लेक्चर सुन के बोर हो चुका हूं। Hey, Veda, whiskey for everybody! खुशी सर, सर, अल्विन। Yes, ma'am. खुशी। Yes, sir, for you, sir. I don't eat. अब तक दूसरा कोर्स नहीं पहुंचा। आ गया सर, आ गया, रेडी, जा रहा है सर, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। निशा। यस सर। पिछला स्टॉक चेक तुमने किया था ना? जी हाँ सर। क्योंकि ये खुशी मैडम यहाँ पर नहीं थी। सर। आज रात स्टॉक चेक तुम करोगे? ओके सर। यस सर। यहाँ पर क्या कर रहे हो? सबने खाना खा लिया और तू है के? भूख नहीं लगी तो कम से कम बॉस के नजर में आने के लिए तो खा लेते। ओह माय गॉड, अरे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ग्रेट पार्टी सर, स्पीच अच्छी बहुत अच्छी। आई एम फ्रॉम हियर, वेयर इज माय ड्रिंक, वेयर इज माय ड्रिंक सर? आई एम गौरव। आई गौरव, एंड दैट्स रणबीर। ओह रणबीर, हाय, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच, आई लाइक द स्पिरिट, आई लाइक द स्पिरिट, गिव द पार्टी मैन, आई गॉट टू गो वन फॉर द रोड। हाय, गुड नाइट। चलना यार, मर सर, चल कल ऑफिस में मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज? सॉरी, बार बंद हो चुका है। लेकिन आप मुझे एक ड्रिंक तो। आई एम रियली सॉरी। बहुत बड़ा रोग है मिस्टर, ये शराब से नहीं छूटने वाला। सत्रह और ग्यारह कितने हुए? छः। सत्रह और ग्यारह? अट्ठाईस। थैंक यू। किसकी तस्वीर बना रहे? मेरी। एक सपने की। अरे सपने तो मैं भी बहुत देखती हूँ, लाइए अपना सपना दिखाइए। शिमला के सबसे ऊंचे मकाम पे एक सपना, लेकिन जिसके लिए बना रहा था उसके लिए न सपना काफी था और न हकीकत। देखिए मिस्टर, बार वाकई बंद हो चुका है और मुझे घर भी जाना है, तो चले। चाचा चाची कहाँ आप लोग? मेरी वजह से आपको देर हुई, मैं आपको घर छोड़ दूँ? नो थैंक यू, मेरा घर पास में ही है। तो पैदल छोड़ देता हूं।
क्या आप यहीं दिल्ली की रहने वाली हैं? क्या पूछा आपने? क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। ये सारी दुनिया मेरी है, इसके सारे लोग मेरे हैं। देखिए मिस्टर, आप चाहते क्या हैं? देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस किसी को बुलाना चाहता हूँ। अपना बटवा निकालिए। जी निकालिए। तो इसे बुलाना चाहते हैं जिसे अपने सीने से लगाए घूम रहे? लेकिन आपके चेहरे पे लिखा है मिस्टर। खुशी, ए खुशी। चाची आ रही, आ रही है, खाना लेके आ रही है। चलो चाची, खाना आ गया। खाना आ गया। आज तो बहुत कुछ देखा था। ये ले लो, खा। ये लो, ये लो ना। हाँ, वो कौन है? एक सड़ियल। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अच्छा अच्छा, मैं उसे अभी भाग के आती हूँ। आप लोग खा लो। देखो मिस्टर, हमारा साथ सिर्फ यही तक का था। ओके बाय। बाय। टूट गया। सर, आपको क्या हो गया सर? आप ठीक तो है? सर, क्या हो गया सर आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें एक अच्छी खबर देने आया हूँ। क्या खबर? कि आज से तुम्हारी नौकरी और ये कमरा गया। नहीं सर। सोलह बार गुटली मारी है तूने। रोज नए बहाने, रोज नए नाटक। आज मौसी भी मार है, कुत्ता भी मार है। तू कहीं भी जा, मेरा दिमाग बंद कर। यहाँ से क्या हुआ? उधर काम छोड़ के उधर इतना अच्छा कपड़ा है, तू वहाँ बुला गया? क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ, क्या हुआ? वो मेरा कुशल बॉस है ना, उसने मुझे नौकरी और घर से निकाल दिया। साला निकाल दिया? अगर हमारा गेस्ट रूम रेडी होता ना तो तुमको हम वहाँ शिफ्ट कर देता। लेकिन साला हमारा बॉम्बे हो या तुम्हारा दिल्ली, सब आर्किटेक्ट एकदम लेजी है। सब बेकार। हेलो बॉम्बे, 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 मुंबई। हेलो मार्केट के लिए तेजी है या मंजी है? हमको खेल आ गया। अरे बोलो, हेलो, हेलो बॉम, हमको एक गेस्ट हाउस। हंस क्यों रहे हैं?
चाची मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठिकाना भी मिल गया और मंजिल भी। या चाचा। जॉनथन, इस घर का मालिक सड़ियल होने के साथ साथ कंगाल भी है। इस घर को देखा है? छी, कितना गंदा है। इन्हें हाथ लगाया तो दिल्ली पैदल जाना पड़ेगा। इसे रख देते। एक काम करते, तुम सामान और घर को संभालो, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। ओके। ये मेरा अपना एक उसूल है, अगर कोई वक्त पे मुझे पैसे नहीं देता है तो मुझे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। अब देखिए आपके पड़ोसन में से शर्मा, मैंने उसे कितनी बार कहा कि सुमार के सुमार हिसाब चुकता कर दिया करो, मगर वो नहीं करती। मिसेज नुरुला, आप भी तो सामान यहाँ से ले जाती हैं, कभी आपने नुक्ताचीनी की नहीं की? अब मैं आपका हिसाब खाते में लिख देता हूँ। मिसेज नुरुला 950 रुपये। ये रहा आपका सामान, 1950 रुपये। मेरे खाते में लिख दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी वो मैं रणबीर की, आप रणबीर को जानते हैं ना? रणबीर मल्होत्रा जी। अरे रणबीर, बड़ा छुपा रुस्तम निकला वो। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, लाखों में एक है वो। तुम जाओ ये सामान लेकर निश्चिंत होके जाओ। थैंक यू। मैं रणबीर से पाई पाई वसूल कर लूंगा, तुम जाओ 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 रणबीर। एक्सक्यूज मी। यस। मेरा नाम पूजा है। पूजा? रणबीर, रणबीर और मैं। पूजा, हाँ रणबीर ने आपकी तस्वीर दिखाई थी अपने बटवे में। मैं कुछ समझी नहीं, रणबीर ने मुझे कभी आपके बारे में कुछ बताया नहीं। अंतर दुकान में मैंने आपको कहते हुए सुना कि, लेकिन रणबीर ने अचानक शादी का फैसला कैसे कर लिया? समझ में नहीं आया। आप गलत समझ रही है, एक्चुअली अब तक शादी हुई नहीं है, होने वाली है। मेरी छुट्टियां थी तो मैंने सोचा शिमला घुमाऊं, घर देखाऊं, पता नहीं घर अच्छा लगे भी या नहीं। और रणबीर? रणबीर तो सभी को अच्छा लगता है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। जानती हूँ, वो काम में बिजी है, थोड़े दिन में आ जाएंगे। लेकिन अच्छा ये सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? रॉस कुमन। क्यों? क्योंकि कल तुम्हें मुझे वहाँ खाना खिलाना है, क्योंकि तुम रणबीर की दोस्त हो और मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं। डन। लेकिन कल वो, कल 1 बजे यही मिलते। ओके ओके बाय। सॉरी रणबीर साहब, लगता है कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन क्या करती, खाने का बंदोबस्त भी करना था, छूट के मसाले भी पकाने थे। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपको देवानंद ने बना दिया तो मेरा नाम भी खुशी नहीं।
ओ पुत्र, उठ जा बच्चे, देख नीचे कोई आया है। बाऊजी बीजी बुला रही हैं। पुत्र सुन लिखते है। कह दे बीजी नू, मैं 8 साल का हो गया, बच्चा नहीं आ। पुत्र पुत्र ओ पुत्र आ रहे हैं। जी नमस्ते। बड़ा कमाल का सोफा है आपका। लेटते नींद आ गई? जी हाँ, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे कितने का है? 8,000। मेरे खाते में लिख लीजिए, मिसेज रणबीर मल्होत्रा। क्या हुआ? ओए, अगर आप मिसेज रणबीर मल्होत्रा हैं, तो हमारा सोफा, उसके साथ हम और हमारे साथ हमारा सब कुछ आपका हुआ जी। क्यों, नाम में इतना दम है? वह नाम में भी, रिश्ते में भी। अच्छा, और हमारे बेटे की पसंद में भी बहुत दम है। और फैमिली, फैमिली रणबीर मेरा बेटा है। ओए फैमिली, हमारे बेटे की बेगम साहिबा से मिलो, मेरे बेटे की पसंद में दम है कि नहीं? बहुत दम है जी। देख Thanks. देख, हम सबके साथ तो तेरा तारुफ हो गया, अब बता तू मिसेस मल्होत्रा कब बनने वाली है? भाभी डोंट माइंड, बट आई एम डाइंग टू नो कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। आई मीन भैया को गए तो अभी कुछ ही दिन हुए है ना। वो मैं अब क्या बताऊं, आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। पुत्र, तू कह रही थी कि तू दिल्ली में काम करती है, तो तेरे माँ पियो भी दिल्ली के ही होंगे है ना? अब सारी बातें आज ही पूछ लोगे क्या? ये तो अब यही रहने वाली है, इत्मीनान से पूछ लेना। चल बेटी, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। देखिए, बात यह है कि मैं अपने, मेरा मतलब है वो घर रणबीर ने कहा था। मैं जानता हूँ रणबीर मुझसे नाराज है, वो बात यह है कि कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ, क्यों फैमिली है ना। कभी 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 ओ देख, रणबीर और मेरी पता नहीं कब बनेगी, पर तू इस घर में रह जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। रह जा, अपना घर बसाने आई है ना बेटी, और दुल्हन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। बेटी तू वही रह, ये दोनों घर अपने ही तो है, जब जी चाहे हमें मिलने आ जाया करना, हमारे घर खुशी आई है, ढेर सारी खुशियां लेकर, देख लेना सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। वाओ, ब्यूटीफुल प्लान यार, बॉस इसे देखकर बहुत ही खुश होंगे। हाँ कम ऑन रणबीर, बॉस फैक्ट्रीज के लेआउट्स देखना चाहते हैं, खूबसूरत घरों के सपने नहीं। और जो तू देख रहा है ना, वो सिर्फ एक सपना है। कम ऑन यार, भुला दे उसे। सारी जड़ियां कमबख्त कर, जब तक ये घर रहेगा इसे बसाने की उम्मीद रहेगी, पूजा की उम्मीद रहेगी। ये घर ही बेच देता हूं। एक्सलेंट, तू एक काम कर, तू कल ही छुट्टी ले और ये घर बेच करा। गुड मॉर्निंग। सॉरी बेटे, हम जरा जल्दी आ गए। नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई है। अपने घर में सोई हूँ ना, इसलिए।
आज तेरा पहला दिन है ना, हम तेरे लिए शकुन लाए। ये मेरे पहले कंगन है। मेरे भी। नया घर, नई जिंदगी, तुम्हें मुबारक। सालों बाद इस घर में बेटे की शादी होने वाली है, सब बहुत खुश हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। बस जल्दी से मुंह धो ले और आ जा। कितने अच्छे लोग हैं ना जोनाथन, प्यार देना, प्यार करना, कोई इनसे सीखे। कभी सोचा है अगर ये सब एक सपना नहीं सच होता तो जानते हो क्या होता? मेरा भी सपना सच हो जाता, प्यार के ऐसे ही किसी आंगन में मेरी भी शादी हो जाती। एनीवे, इन सब चीजों के लिए अपने पास टाइम नहीं है, मुझे लंच पे जाना है। और तुम, हाँ, तुम इस सड़ल के घर में इन अच्छे अच्छे लोगों का अच्छा अच्छा फर्नीचर सजाओ। ओके, बाय। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? पहले तो मुझे लगा कि रणबीर सारे लड़कों की तरह बस बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं, लेकिन सच बताऊं उसकी आंखों में मैंने सच्चाई की एक झलक देख ली थी। जानती हो कब हमारी पहली मुलाकात के बाद, जब वो मुझे घर छोड़ने आया था। उस रात दिल्ली की सुनसान सड़कों पर दो अजनबियों के बीच एक ऐसी डोर बन गई जिसे मैं समझ नहीं पाई। उस रात खाना आ गया। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? जानती हो कुछ ही दिनों में रणबीर को प्रमोशन मिल गया। बिल्कुल, मेरा भी यही रिएक्शन था। आफ्टर डबल प्रमोशन यार। एक दिन वो मुझे लेने आया सूट पहन के, बहुत हैंडसम लग रहा था। मुझे डिनर पर ले गया, बस यू समझो शैंपेन। शैंपेन का मतलब समझती हो ना? और फिर ओ माय गॉड, क्या हुआ? आई मीन, फिर क्या हुआ? जो सिर्फ हम जैसी लड़कियों के ख्वाबों में होता है, सारे लोगों के सामने अपने घुटनों पर झुक के उसने कहा, खुशी वो सारे गम जो तुम्हारे तरफ बढ़ रहे हो उन्हें मैं अपनी तरफ बुलाना चाहता हूँ, और वो सारी खुशियाँ जो मेरी किस्मत में है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे दामन में बिछाना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो खुशी। अब तुम ही बताओ मैं कैसे इनकार करती? आफ्टर ऑल मेरी जगह कोई भी लड़की। अरे तुमने तो कुछ खाया नहीं। भूख नहीं है। मैं खा लूं? सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां, बाल माँ की, जाल माँ की, हाय तीन निशानियां, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको।
आप मुझे बताएंगी ये सब क्या हो रहा है? आप अंदर तो आइए। देखो मेरा दिमाग, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत नाराज होंगे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस रात आपसे मिलने के बाद मेरा बॉस मेरे कमरे में आया, उसने बहुत शराब पी रखी थी, मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैं वहां से भाग निकली, लेकिन नौकरी और घर दोनों खोकर मैंने शायद आपसे कहा था कि मैं इस दुनिया में अकेली हूं। सहारा ढूंढने निकली तो आपका बनाया हुआ स्केच मेरे सामने आया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, तो मैंने सोचा कि सोचने के लिए दिमाग चाहिए। चलो अपनी नौटंकी उठाओ और दूसरे गांव चलो, चलो। देखिए, मुझ जैसी गरीब पे दया कीजिए सर। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गुजर चुका है, अब अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से सर। चलो। ये दीवान माँ जी ने, वो मैं कैसे इनकार करती। माँ जी? हाँ। जी बीजी जी, चाचा जी जी, देवर जी, ये सारी चीजें जी, शादी का शगुन। यकीनन आप हमारी शादी की बात कर रही हैं। आपका घर इतना फर्नीचर। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। मैं क्या कहती? तो क्या कहा आपने? कि हमारी शादी होने वाली है। ताकि ये सारा सामान उठा के तुम भाग जाओ। और क्या क्या हाथ लगा तुम्हारे, बोलो। बस बस, माँ के कंगन, मतलब वो भी लौटाने हैं। पूजा, पूजा से क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मुझे लंच खिलाए। हाय, तुम्हारी जीप देखी, कब आए? वो अभी। मौसम कितना अच्छा है ना, आप लोग बाहर क्यों नहीं बैठते? मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं अभी आई। बैठे। मैं नहीं जानती थी कि तुम, देखो खुशी के बारे में जो, अगर वो मुझे नहीं बताती तो मैं कैसे जानती कि तुम, क्या कि तुम इतने रोमांटिक हो? जिस तरह तुमने उसका दिल जीत लिया, वो तो क्या कोई भी लड़की तुम्हारी दीवानी हो जाती। मैंने उससे सब कुछ पूछ लिया, तुम्हारी हर मुलाकात, हर अदा, हर कामयाबी। बस ये सब इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था, इतनी जल्दी मैंने भी नहीं सोचा था। शायद सब कुछ अपने आप ही हो गया, और शायद सबकी अच्छाई इसी में है, है ना? I'm very happy for you. तुम्हारे सारे सपने सच हो रहे हैं ना? मुबारक हो। मैं चलती हूँ। चाय नहीं पियोगी? फिर कभी। रहने दो, चली गई। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से
मैं आज शाम तक ही चली जाऊंगी। शायद तुम्हारी वजह से पूजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम चाहो तो यहां रुक सकती हो। आगे तुम्हें घर की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। बोलते जाओ। तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारी नौटंकी सही निशाने पर लगी, वरना तुम्हारी कथा सुनकर तो पूजा को मुझसे और दूर चले जाना चाहिए था। लेकिन बात कुछ उल्टी हो गई। शायद सब लड़कियों का दिमाग उल्टा ही चलता है। ए मिस्टर, मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि यह खेल हम कुछ दिन और खेलेंगे। तुम यहीं कब्जा जमाए रखो, मैं कुछ दिन और अपने बाप के यहां रुकूंगा। तुम तो अपनी पूरी जिंदगी का प्लान बना बैठे हो, कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कुछ हो ना हो, मेरा क्या होगा? मुफ्त की रोटी, मुफ्त का मकान, और क्या चाहती हो? एहसान मांगने का अंदाज अच्छा है। देखो, सॉरी बोलने से तुम्हारी मर्दानगी जो कम हो जाएगी। जाने दो मिस्टर, तुम जैसे से भलाई की उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूं मैं। काम की बात करो। चाहते क्या हो तुम? 2000 रुपए हफ्ता। 2000? बाय। सुनो, बैठो। ठीक है। और फर्नीचर कहा तो था, शगुन लौटाया नहीं जाता। ए बांगड़ू, दुल्हन को पहली बार घर ले आया है, सबको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाओ। आप लोग तो मिल चुके हैं ना? हाँ, लेकिन ऑफिशियल इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए ना। चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते। माँ। माँ। जीती रे। बिंदिया। हाय। राजीव। हाय। सुरीले। नमस्ते। नमस्ते जी। बीजी। बीजी। नजाकत अली। आदाब। गुरतेज। सत श्री अकाल जी। बाऊजी। बाऊजी। बस पुत्र। आज तुम्हारी पसंद का खाना बना है। खुशी ने हमें बताया कि तुम्हें आजकल बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। तुमने कभी बताया नहीं? वो इसे पसंद है ना, इसलिए। चलो चलो किचन डिपार्टमेंट चलो, कम ऑन। एक मिनट जी, अगर एक बार भाभी जी अपने हाथों से चूल्हा जला दे तो कैसा रहेगा? लेकिन चलो चलो चलिए भाभी जी, भाभी आप भी चलिए, चलिए ना बाबू जी। ठहर बेटा, ये सब क्या है, कैसे हुआ? वो मैं खुद हैरान हूँ, पता ही नहीं चला बीजी के। तू जो कुछ कर रहा है सोच समझ के कर रहा है ना? वो तना कर जी? मेरा मतलब है ना सोच, देख वो कर जो तेरा जी कहता है। हाँ बेटा, मेरी एक बात मानेगा? देख खुशी बिन बताए आती है अपने आप, और जब आती है ना तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां महकने लगती है। देख तू पुरानी बातें भूल जा, भूल जा और इस खुशी को अपना ले। मेरी बात मानेगा ना? ये लिविंग रूम। गुड मॉर्निंग। और वो गेस्ट रूम। आप लोग नाश्ता करेंगे? माँ जी ने दूध और जलेबी भेजी है। नहीं, तुम खाओ, मैं पूजा को बेडरूम दिखा के लाता हूँ। आओ। ओके। जलेबी खाओ, माँ ने भेजी है। आओ
मैंने सोचा कि हमारे हर दिन की शुरुआत प्यार से होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना कमरा इस तरह बनाया कि सूरज हर रोज हमें प्यार से जगाए। It's beautiful. दिखा चुके अपने सपने? बहुत बुरी आदत है इनकी, सबको अपने सपने दिखाते रहते। After all, कुछ बातें पर्सनल होती है ना। You're right. Anyway, मुझे होटल पहुंचना चाहिए। Bye. Bye. पूजा। Good girl. Thanks. बहुत प्यार करते हो उसे? कब से? पता नहीं, लेकिन जब से होश संभाला है किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। बहुत किस्मत वाली है, हर लड़की यही तो चाहती है क्या? कि वो जिसे चाहे वो उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी ना पाए। अगर वो तुम्हें ना मिली तो शायद मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकूंगा। तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी, मेरा दिल कहता है। जानते हो मेरा नाम खुशी क्यों है? क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं जहां जाऊंगी सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दूंगी, जितना पाऊंगी उससे कई ज्यादा दे जाऊंगी। देख लेना, मेरे आने से सब कुछ बदल जाएगा। अरे रणबीर, तुम? वो यहां से गुजर रहा था तो तुमसे मिलने आया था। कुछ परेशान नजर आ रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। खुशी समझती है कि मैं तुमसे अब भी और शायद पूजा मैं तुमसे। वाह रणबीर वाह, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। पूजा, कहा था ना मैंने तुमसे कि ये जरूर आएगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो सिर्फ बात तो मैं भी करने आई थी, सिर्फ तरीका अलग था। आज मैं ये सोचकर आई थी कि मेरे दिल में पूजा के लिए जो शक है सब दूर हो जाएगा, लेकिन आज क्या सच और क्या गलत फहमी सब मेरे सामने है। देखो खुशी, रहने दो रणबीर, कम से कम सबके सामने मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। ओ शोले की बसंती, आज अगर तुम पूजा के यहाँ नहीं आती तो मेरी बात बन गई थी। अच्छा, शिमला के देवानंद, मेरे आने से ही तो बात शुरू हुई है। कूड़े हो कूड़े हो कूड़े, मतलब लड़कियों को समझ नहीं पाए, मजा तो अब शुरू हुआ है। जाल इस तरह से बिछाओ कि अगर पंछी उड़ भी जाए तो लौट आने पे मजबूर हो जाए, लेकिन इन सब चीजों में वक्त लगता है। ये कच्चे धागों का खेल है मिस्टर, जोर से खींचोगे तो धागा टूट जाएगा। उसे थोड़ा जलाओ, थोड़ा और तरसाओ, समझ गए? कुछ कुछ। आइसक्रीम खिलाओगे? क्यों, ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। चलो चलो चलो। अरे यप्पी, दो ऑरेंज कैंडी देना प्लीज। शराब चलो।
चलो। पुत्र पावे जमाना कितना भी बदल गया हो, लड़का लड़की इस तरह कब तक मिलेंगे? शादी की बात तो शुरू करनी ही होगी ना, तेरे माँ बाप से कम एक मुलाकात तो करनी पड़ेगी पुत्र। बाबूजी वो दोनों इतने बिजी हैं, पापा अपने बिजनेस में और मम्मी अपनी किटी पार्टी सोशल वर्क में, उन्होंने सारे फैसले मुझ पर छोड़ दिए। लेकिन पुत्र एक मुलाकात उनके साथ हो जाती तो कुछ मैं। बाबूजी रहने दीजिए, खुशी के माँ बाप की आपस में बनती नहीं है, ये नहीं बताएगी, लेकिन मैं जानता हूँ वो दोनों एक साथ एक कमरे में तो रह नहीं सकते, इसलिए जब शादी तय हो जाएगी तो उन्हें बुला लेंगे। बाबूजी रणवीर ठीक कहता है, मैं। ओए सुअर दे पुत्र, रुला देता ही ना उन्हूं। क्या जरूरत थी मेरे माँ बाप के बारे में इतना सारा झूठ कहने की? क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में और मेरे माँ बाप के बारे में? हाँ मैं तुम्हारे माँ बाप की बात नहीं कर रहा था, भूल गई? मम्मी किटी पार्टी में बिजी है, डैडी को बिजनेस से फुर्सत नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा था। फिर भी एक इम्प्रेशन जमाया था मैंने, सब बिगाड़ दिया तुमने। झूठ बोलने से बाज नहीं आती और अपने झूठ को सच समझने लगती हो, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या मतलब? अपने झूठ पे जरा राशन रखा करो, फ्री फंड में बंडल मारती रहोगी तो सब फंसते जाएंगे, वाकई तुमसे शादी करनी पड़ेगी। चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ। नाटक मंडली ए नौटंकी। क्या है? चल नाटक का टाइम हो गया। Jonathan! Woo! Hi. Hi. तो क्या तुम भी अभी तक यहीं आती हो सोचने के लिए? इतने सालों की आदत इतनी आसानी से कहां छूटेगी? मैं तुम्हारे अपने बारे में सोच रही थी, कॉलेज के दिनों के बारे में, याद है? उस दिन घर पे आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? बात तो मेरी और खुशी की है। लेकिन झगड़ा तो मेरी वजह से हुआ ना। जानता हूं इसलिए तो शर्मिंदा हूं। उस वक्त मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मगर खुशी के वहां होने की वजह से। बच्चों जैसी हरकतें खुशी की। तुम भी बच्चों से कम थोड़ी ना हो, इतनी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा। मतलब एक रूठे तो दूसरे को मनाना चाहिए, एक नादानी करे तो दूसरे को सुलह का मौका देना चाहिए ना। यू नो पूजा, तुम खुद नहीं जानती तुम कितनी अच्छी हो, बस तुम्हें किसी की जरूरत है, एक कोई ऐसा जो तुम्हें तराशे सवारे, जो समझ पाए कि तुम्हें पाकर उसने क्या पाया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं खुशी के बारे में सोचता हूं। चलता हूं, कमिंग। मैं थोड़ी देर और बैठूंगी। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाय। Oh,
तेरे सामने, मैं तेरे सामने। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। हायो रब्बा प्यार दिया मजबूरियां, हायो रब्बा प्यार दिया मजबूरियां। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। जी, हाँ, मैं एक बात बोलूं? और बोल ना, पूछने की लोड़ है? क्या करूं बीजी, जब भी बोलता हूँ सारा घर नाराज हो जाता है। ओए, मैं नहीं नाराज हुंदी, बोल की गल है। मेरे समझ में नहीं आ रहा की खुशी और रणबीर की बात आगे बढ़ नहीं रही। या तो पूजा का कुछ लोचा है, या खुशी के माँ बाप का। गाड़ी कहीं अटक गई है, शादी तक बात नहीं पहुंच रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ गया है पुत्र। अच्छा, ओ कैसे? ओ ऐसे कि तू बड़ा भोला है। ये प्यार का नाटक जो हो रहा है ना, वो तेरी समझ में नहीं आएगा, मेरी समझ में आ गया। वो तो ठीक है बीजी, लेकिन
ऐस प्यार दे खेल को एक सोने दे लेखक दी लोड़ है, और कुछ नहीं। बीजी, तुसी रोमांटिक राइटर? नहीं नहीं बीजी नहीं। तू देखता जा, तेरी बीजी है ना, सब समझती है और सब ठीक कर देगी। और मात देख लिया, देख लिया आप लोगों ने, इसने मेरी चाल कॉपी की है। कॉपी कैट। बहुत हो गया, मुझे कुछ पीजी मनु कुछ बोलन तो दो। अच्छा ऐ तेरा पुत्र आ रही हूँ बीजी, ऐसे भी मुझे इन चीटों के साथ नहीं खेलना। क्या हो रहा है? बैठ। क्या बात है बीजी? बात ये है कि आज शाम मैंने किसी को बुलाया है, एक ऐसे किसी को जो ढेर सारे जेवर, ढेर सारी चूड़ियां और ढेर सारी साड़ियां लेके आने वाला है इस घर की दुल्हन के लिए, तेरे लिए बेटी। मेरे लिए? हाँ पुत्र, तेरे लिए। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो आरी, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो आरी, के सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो आरी। बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ारी, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ारी, के सावन आया, सावन आया। बहुत प्यारे जेवर है, इन्हें संभाल के रख लो। कुछ दिन इन्हें अपने पास ही रहने दो। अच्छा, चोर पे भरोसा? क्या करे, टाइम टाइम की बात है। और खेल लो कुछ दिन जेवर जेवर। सड़िया। राजीव कहाँ हो तुम लोग? अरे काम शुरू करना है, जल्दी आओ। ठीक है, मैं तो रेडी हूँ। क्या करना है? वो झील दिख रही है? पानी भर के लाओ। Oh.
ए खुशी, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या माँ? हमने तुम्हारी और रणबीर की कुंडलियाँ मिला ली है। तुम दोनों की तकदीर में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी है। सच में? हाँ, और पंडित जी ने कहा है कि शादी की पहली रस्म जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन रणबीर भी तैयार हो गया। चल चल जल्दी चल। कहाँ? अरे तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा नहीं, चल। मुझे साजन के घर नहीं।
ए नौटंकी। यहीं सो गई, ठंड लग जाती तो। तुमने कभी शेरवानी पहनी है? नहीं, क्यों? अच्छे लगोगे, बहुत अच्छे लगोगे। वैसे कोई सपना देखा? या सोनिया, या आई कम ऑन मंडे टू चेक। ओ हाय, आई कॉल यू बैक। बिजी? नो, आओ ऊपर आओ। कॉफी पियोगे? लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? कि तुम मुस्कुरा के कॉफी पिलाओगी। मैं देख रहा हूं आजकल तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया है। शिमला की ठंड में दो ही चीजों की तो आदत है सबको, एक तुम्हारी कॉफी और दूसरी तुम्हारी मुस्कुराहट। विजय, कॉफी। खुशी कैसी है? फाइन। ये शादी का फैसला भी बड़ा मुश्किल काम है। कभी सोचता हूं रुक जाऊं, कभी दिल कहता आगे बढ़ जाऊं। तुम्हें क्या लगता है? तुमने कब से सोचना शुरू कर दिया? हाँ, सोचा दिल से नहीं तो दिमाग से काम लिया जाए। ये दिल और दिमाग कभी एक साथ राजी जो नहीं होते। इसलिए तो तुमसे सलाह लेने आया। सोचता हूं दोनों को राजी करके उससे शादी का फैसला कर ही लूं। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए, वरना दिल और दिमाग फिर से अलग हो जाएंगे। See you. तुम्हारी कॉफी? हाँ, फिर कब? ये क्या बना है? क्यों, इसमें क्या खराबी है? बहुत कम है, जाओ बदल के आओ। जाओ। हेलो। हेलो रणबीर, मैं गौरव बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोल। यार बॉस ने सबको वापस बुलाया है, कोई नया प्रोजेक्ट अलॉट हो रहा है, तू जल्दी से वापस आ यार। ओके बाय। ठीक है। किसका फोन था? ऑफिस से। क्या बात है? वापस बुलाया, वही बेजान बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज बनाने के लिए। तुम क्या चाहते हो? मैं घर बनाना चाहता हूं, मकान नहीं। तो तुम अपने बॉस से कहते क्यों नहीं? एक बार ये घर पूरा हो जाए सब अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या चाहता हूं और क्या कर सकता हूं। हेलो जी। Thank you.
सर आपने मुझे बुलाया? सुना है तुम कंपनी छोड़कर जा रहे हो? सर ये कंपनी कंपनी नहीं है बरखुरदार, बल्कि एक नेक इरादों की फौज है और तुम फौज छोड़ने की सजा जानते हो। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जी, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादों की वजह जान चुका हूं। लेकिन आपसे किसने कहा कि रणबीर आज तुम में मैं अपनी जवानी अपना जुनून देख रहा हूं। तुम्हारी तरह मैं भी ये माचिस के डिब्बे बनाना नहीं चाहता था, मैं लोगों के लिए घर बनाना चाहता था, वो घर जिसमें जिंदगी फूले फले। आप मेरे बारे में इतना सब जानते हैं? रणबीर भाई मैंने सुना है कि तुमने बहुत कम खर्च करके अपना दिमाग लड़ा कर एक बहुत खूबसूरत घर बनाया। जी सर। अगर वो सब सच है जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तो तुम्हारे सपनों का ब्लूप्रिंट और फाइनेंस ये ब्रिगेडियर तैयार करेगा। सर क्या बात कर रहे हैं सर? शादी मुबारक हो रणबीर, और मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा और तुम्हारा घर देखने के बाद तुम्हें पार्टनर बनाने का फैसला करूंगा। शादी पार्टनर? तुम बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त, तुम्हारी शादी वाले दिन दो पिछड़े हुए यारों का मिलन होगा। मैं बख्शी, वही बख्शी जिसकी बहादुरी ने मैदान जंग में मेरी जान बचाई, वही जिसने मुझ पे चलने वाली गोली अपने जिस्म पे ले ली, और वही जिसकी फूल जैसी खूबसूरत बेटी से तुम शादी करने जा रहे हो। मुझे तो आज पता चला कि गोली लगने के बाद बख्शी की यात्रा चली गई। पंजाब ग्रेनेडियर का जवान बख्शी अपने आप को मराठा रेजिमेंट का सिपाही समझ रहा है। एनीवे रणबीर आज से तुम्हारी शादी के दिन तक तुम छुट्टी पर हो, जाओ अपनी शादी और अपने घर की तैयारी करो। कम ऑन कम ऑन, गो माय बॉय, गो 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 ऑफ यू गो माय बॉय। तुम्हें सपने आते हैं? कब किस वक्त कहां पहुंचकर कौन सी नौटंकी करनी है? हां तुम बाज नहीं आओगे मिस्टर, इतना बड़ा बेड़ा पार लगाने के बाद भी। वैसे तुमने आज कमाल कर दिया। लेकिन तुम्हें इतना दूर आने की सूझी कैसे? तुमने एक गलती कर दी, अपने सपने किसी और को नहीं दिखाए लेकिन मुझे दिखा दिए। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी बहुत सारे सपने देखती हूँ, लेकिन जानते हो तुम्हारे सपने मेरे सपनों से अच्छे हैं, प्रैक्टिकल है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन्हें पूरा करोगे। अगर सपने सच्चे हों तो सच हो जाते हैं, तुम्हारे सपने भी सच होंगे। बाय द वे थैंक यू, आज पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया, वजह जान सकता हूं? सब कुछ कहना जरूरी है क्या? लेकिन सब कुछ तय करना तो जरूरी है। क्या? अब हमें शादी का खेल अंजाम तक खेलना होगा, क्योंकि उसके बगैर अब कुछ नहीं हो सकता। बॉस का घर देखना बहुत जरूरी हो गया है ना, मेरा साथ दोगी? बहुत मजा आएगा, बचपन से ये खेल तो खेलते आई हूँ। पहले दूसरों की शादी का खेल खेलती थी, अब अपनी शादी का खेल रचाऊंगी, बहुत मजा आएगा। तो फिर चलें। और पूजा? खेल खेल में पहली बार उसके बारे में सोचना ही भूल गया। मैं बताऊं, अब एक ही तरीका है, शादी के मंडप में मैं आके कहूंगी कि मुझे यकीन है कि तुम पूजा को अब तक भुला नहीं पाए और इसलिए मुझे शादी से इनकार है। हो सकता है हमारा खेल अंजाम तक पहुंच जाए उसी वक्त उसी मंडप में तुम पूजा से शादी कर लो। हो सकता है, चले। हाँ मम्मी एंड डैडी, मैंने कहा था ना मराठा रेजिमेंट को कर्नल बख्शी पे नाज है नाज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे कहां मेरे बॉस और कहां ये लोग? हे कैप्टन, तुम इससे बात करो, तुम अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहे हो। गोली से उड़ा दूंगा। अच्छा वो तुमने बॉस को कह दिया कि गोली इनके सर को छू के निकली है, क्या बोल रहे हो? पागलों के कमांडर लगते हैं। और कोई चारा है हमारे पास? इसको समझ में नहीं आ रहा है।
ये दोनों मिलिट्री कॉन्वॉय में शिमला आएंगे कि हमें कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा? ठीक है, इनको बोलो कि मेरा दोस्त गौरव इनको 15 दिन बाद नए कपड़ों के साथ लेने आ जाएगा। हाँ, हे, हे, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा दर्जी कौन है? दादा कौन के बच्चे? हाँ, पैंट के सिवा तूने कभी कुछ पहना है? अब तो तुमने मेरे पूरे टीम को अपने नाटक में शामिल कर लिया है। अब क्या चाहती हो तुम? दुल्हन को शादी का जोड़ा और जेवर नहीं दिलाओगे? और कुछ? बाद में पागलखाना बनाने को तो नहीं बोलोगी ना? कैसी लग रही हो? खरीद लो। हेलो मिस्टर सड़ियल, आप कुछ बोलेंगे? मिस नौटंकी, ऑटो रिक्शा की बॉडी में एरोप्लेन का इंजन। जरा देखिए तो इनको, करेला वो भी नीम चढ़ा। हंसने को बोलो तो 5 मिनट लगाते हैं, और स्टाइल ऐसे जैसे जेम्स बॉन्ड के चेले क्यों ना हो। छी, वैसे देखने में बुरी नहीं है, बस बोलती बहुत है। पकाओ, इससे जो शादी करेगा मरा। इनको तो किसी गूंगी से ही शादी करनी पड़ेगी। इडियट। कुछ कहा? नहीं। प्यार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्यार होता है ना तो फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और सब गड़बड़ हो जाती है। नहीं नहीं करना चाहिए ना? नहीं। फ्रेंड्स? ओके। इडियट। राजमा बहुत अच्छे हैं। अरे भैया आ गए। हाय माँ। आ गए दिल्ली से? ये तो तेरे बगैर एक पल भी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थी, भाग निकली तेरे पीछे। खुश नसीब हो। हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया। अरे वाह, शादी शादी शादी। कंग्रेट। थैंक यू। वेल डन पुत्र। थैंक यू। मुबारक जी, मुबारक। अभी हम शॉपिंग साथ में जाएंगे। ये सब अचानक? तुम मैं और बिंदिया शॉपिंग ले चलेंगे। ओके बीजी, बस हो गया। भैया शादी कब है? इस महीने की 16 तारीख को। इतनी जल्दी? अब आप लोग फैसला कर लो, कभी कहते हो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, कभी कहते हो इतनी देर क्यों कर रहे हो। लेकिन बेटा, खुशी के माँ बाप? हाँ, उन लोगों से मैंने बात कर ली है, वो शादी पे पहुँच जाएंगे। आ जाएंगे? कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी हो ना, कोई पैन देना। इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा फैसला, और तू टोक रहे। रहन दे, तुसी आशीर्वाद दो, बधाइयां दो। हाँ चल। ना 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 ना, दोनों कट्ठे। हेलो छोटी माँ। अरे खुशी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी शादी होने वाली है। अरे कब? इस महीने की 16 तारीख को। क्या?
हैरान हो गई ना, मजाक कर रही हूँ छोटी माँ। बेटी तू ये क्या बोल रही है? मेरे पास अब समझाने का वक्त नहीं है छोटी माँ, बस यूं समझो मेरी शादी है, झूठी सही। खुशी मुझे तेरी फिकर हो रही है, तू जानती है तू ये सब क्या कर रही है? ना नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं एक सपना तैयार कर रही हूँ, एक खूबसूरत शादी का सपना। एक मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा कि सचमुच तेरी ही शादी हो रही है। नहीं छोटी माँ, अगर ऐसा होता तो गजब हो गया होता। मैंने कहा ना, ये सच नहीं एक सपना है, और आप लोगों को आके मेरे साथ इसे सजाना है। आप आएंगे ना? आंख बंद करके सपना शुरू कर दे, बस हम हाजिर हो जाएंगे। जॉनथन, बुद्धू बुद्धू अपने ही रचे हुए सपने में खो गई। तुमने कभी बताया नहीं क्या तुम्हारा सपना क्या है? बता दूं? बता। बस जन्नत पास हो और किसी अपने का साथ हो, यही सपना देखती रहती हूं। कभी कभी सपना सच लगने लगता है, इन बादलों की तरह लगता है अगर हाथ बढ़ा लूं तो इसे छू पाऊंगी, लेकिन फिर डर लगता है। डर किस बात का? झूठ निकला तो? अगर तुम्हें अपने सपनों पर यकीन नहीं होगा तो वो सच कैसे होंगे? तो बताओ यकीन है? थोड़ा सा। खुशी बहुत शरारती है लेकिन समझदार भी। जो मैं आज तक नहीं कह पाया उसने एक ही दिन में कर दिया। न जाने कैसे मेरे सारे सपने चुरा लिए और मेरे बॉस के सामने रख दिए। अब ऐसे लगने लगा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशी, जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है बहुत सोच समझ के रखा है। थैंक यू मिस, थैंक यू खुशी, होप तुम्हारे सपने भी सच हो जाएं।
वरना दुनिया में रहना नहीं। प्यार करते हमको जीना, प्यार करते हमको मरना, गम जुदाई का सहना नहीं। ओ, 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 कहना है आज तुझसे, फिर किसी से ये कहना नहीं। दुनिया से डरना नहीं या प्यार करना नहीं। नजरें चुरा के सनम हमको गुजरना नहीं। से फिर किसी से ये कहना नहीं। मैं कर लूंगा लेकिन बाबूजी, तो फिर जो करना कीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? स्टॉप इट! चाहती क्या हो तुम? जब से तुम आई हो सब बदल गया है, सब बिगड़ गया है। पहले मेरे घर पर कब्जा किया, फिर मेरी फैमिली पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे फैसलों पर, और अब मैंने या तुमने
जो कुछ भी हुआ मैंने किया या तुमने? फैसले मैंने बदले या तुमने? तुमने, तुम जैसों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम ये फैसला करके आई थी कि मेरा सब कुछ हासिल कर लोगी। हेलो छोटी माँ, मैं खुशी बोल रही हूँ। हेलो खुशी, खुशी रो क्यों रही है तू? बात क्या है? छोटी माँ मैं हेलो खुशी कुछ भी हुआ मैंने किया या तुमने? फैसले मैंने बदले या तुमने? दादाजी मैं अग्निहोत्री बोल रहा हूँ मालदौर से। हाँ बोल बेटा बोल। देखिए दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने अभी अभी आपकी बहू को बस स्टॉप पे बैठी हुई देखा है। वो कुछ परेशान सी नजर आ रही है, साथ में कुछ सामान भी है, इसलिए मैंने सोचा दादाजी कि मैं आपको बता दूं। अरे नहीं रे, तूने तो बिल्कुल सही किया रे बावरे, जरूर कुछ गड़बड़ है। सारी खुदाई छुट जाए या सारा जमाना छूटे, रब रूठे ते रूठ जाए यार कभी ना रूठे। जोत जगा में ओ दीवाने
दीवाने ओ दीवाने दीवाने ओ दीवाने दिल विच अपने इश्क दी जोत जगा ले यार मिले तो जग सूना है चल उठ यार मना ले यार मना ले कम ले या तेरा वो आपे मन जावेगा जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा था ना तुम जैसे से भलाई की उम्मीद मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूं। अब ना मुझे तुम्हारी तनख्वाह चाहिए, ना फर्नीचर, ना कुछ, लेकिन मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहती हूं। मैं यह तुम्हारे लिए वापस नहीं आई हूं, मैं उन लोगों के लिए आई हूं जिन्हें तुम पाकर भी पहचान नहीं पाए और मैं बिन पाई पहचान गई। इससे आगे हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं, ना आज ना फिर कभी। मैंने शायद एक सपना देखा था, अच्छा हो तुमने मुझे नींद से जगा दिया, क्योंकि अब मुझे इस सपने से नफरत होने लगी है। Thank you.
आपने अपने घर के डेकोरेशन के लिए कुछ सैंपल्स मंगवाए थे वो ये रहे सर। वो घर की डेकोरेशन तुम कर रही हो तो ये लाए। माँ, मेरा सपना पूरा हो गया, घर तैयार हो गया, देखोगी?
बी जी भाभी आ गई। बेटी आज तक तू इस घर में खुशी बनकर आई है, लेकिन आज से तू इस घर में लक्ष्मी बनकर रहेगी। आ अंदर आ। आज सारे घर में दिए जला दे, क्योंकि आज से हमारे जीवन में रोशनी तू ही लाने वाली है। बेटी आजा अंदर आ। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो सब क्या है तुम दोनों के बीच में? मैनू भी नहीं बताएगा? हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं बीजे, बस एक खेल था जो पूजा को पाने के लिए मैंने खेला था, और वो खेल कब हकीकत में बदल गया पता ही नहीं चला। मैं उसे प्यार करने लगा। तो तू उसे कह क्यों नहीं देता? क्या कहूं, कैसे कहूं कि मैं अचानक पूजा से नहीं तुमसे प्यार करने लगा हूं। इसी उलझन में मैं पता नहीं उसे क्या कुछ कह बैठा, न जाने कितनी चोट पहुंचाई। दोष मेरा था और दोषी मैंने उसे ठहरा दिया। बेटे अगर तूने गलती की है तो अपनी गलती मानने से तो छोटा नहीं हो जाएगा। जा उसे कह दे, और कल के बाद शायद तुझे मौका भी ना मिले, फिर पछताएगा। जा उसे रोक ले। जा बेटा जा। दूल्हा यहाँ पर?
रहा नहीं गया। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। मैं तुमसे अकेले में। माँ जी ने कहा है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन अकेले में नहीं मिल सकते। जॉनेथन, ये सब तो की दुनिया अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है जॉनेथन। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब ये खेल नहीं खेला जाता। सच और सपने कुछ उलझ से गए हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। Young man is a beautiful house. I love it. After all, I'm your boss, don't I know? Now, how about some drinks, eh? Yes. दरवाजा खोल खुशी, दरवाजा खोलो बेटा। बेटा खुशी, दरवाजा खोल ना। नहीं बीजी, मैं नहीं आऊंगी। ऐ क्यों होया? क्यों है बीजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खुशी दरवाजा नहीं खोल रही है। ब्याह तो देने ना, घबरा गई होगी। पुत्र, बहता कहती है इधर बाप प्यो नु बुला लो, आके संभाल लेंगे। हाँ। You know, young man, the right woman changes everything in life. बेटी, देख मेहमान आए हैं, चल चल। ये खुशी, मेरे बच्चे, हम तुझे लेने आए हैं। चाचा चाची आप लोग चले जाइए, ये शादी नहीं होगी। ये तो नहीं था, मेरे फूल जैसे बच्चे, उस पर ये सब। अरे जरा सोच, ए लोगों को पता नहीं हमारे बच्चे अनाथ है। हमारे बच्चे क्या होगा? क्या करें? आज तक कुछ हुआ हमसे जो आज होगा? कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोल बेटे। बेटा, जो प्यार तूने हम सब से पाया है, अगर उस प्यार में तुझे थोड़ी सी सच्चाई मिली हो तो तुझे उस सच्चाई का वास्ता। दरवाजा खोल दे बेटे। बेटी,
हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि शादी के दिन दूल्हे को किसी की जरूरत नहीं होती मगर दुल्हन को। दुल्हन को सब की जरूरत होती है, इसलिए हमने सोचा है कि हम सब उसके साथ नहीं तेरे साथ रहेंगे। आज से मैं उसकी बीजी नहीं, मैं तेरी बीजी हूं। और ये बाऊजी उसके बाऊजी नहीं, बेटी ये तेरे बाऊजी है। हाँ, और ये माँ ये उसकी माँ नहीं, ये तेरी माँ है। हाँ, और ये बुद्धू ये चाचा भी तेरा चाचा है। हाँ, हम सब तेरे हैं बेटी, सब तेरे हैं। मैनू पता है सफर कितना मुश्किल होता है, पर बेटी मेरा वादा है तू पहले एक कदम उठा के देख, तू अकेली नहीं, हर कदम पे तुझे एक नया रिश्ता मिलेगा। हर मोड़ पे एक भाई तेरा हाथ थामेगा, एक माँ तेरी बलाएं लेगी और एक बाप तेरा सहारा बनेगा। हम सब तेरे हो चुके हैं बेटी। देख पुत्र, तेरी आंखों में जो नमी है ना, उसमें हम सब की खुशियां थमी है। इनकार ना करी, इनकार ना करी। चोरी चोरी
मुझको ना लूटे ना रूठे मेरा राजना, चोरी चोरी चुपके से विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगतस्य विद्नतस्य निजायते। जो तुम चाहते मुझसे नहीं होगा। जिन लोगों से मुझे इतना प्यार इतनी इज्जत मिली उन सब के सामने मुझसे ये ढोंग मत करवा। यहां तक आके मेरा साथ नहीं दोगी? अगर तुम साथ नहीं दोगी तो उन सारी बातों का क्या होगा? लेकिन वो सब तो एक सपना था, झूठ था। सपना था लेकिन क्या झूठ था? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सब याद है कि तुम क्या चाहती थी। एक ऐसा साथी जो तुम्हारे सारे गम अपना ले और अपनी सारी खुशियां तुम्हारे दामन में भर दे। वही तो लाया हूं, अपनी सारी खुशियां। बदले में अपने सारे गम मुझे नहीं दोगी? इंसान कभी कभी अपनी जिद को प्यार समझ बैठता है। मैंने भी पूजा को पाने की जिद को शायद प्यार समझ लिया और आज मुझसे शादी करोगी? इतना तो बता दो कि सच है ये सपना? फैसला तुम्हारे हाथ में।
हूँ।